सावन का पावन महीना अब शुरू हो चुका है। इस सावन के पावन महीने में श्रावणी मेले की अब शुरुआत हो चुकी है। इंतजार सिर्फ भक्तों को, जिसका काफ़ी वक्त से रहता है, वो वक्त अब आ चुका है भोलेनाथ के प्रति एक अलग भक्ति को देखने के लिए। प्रत्येक शिवालय में श्रावण के महीने में सिर्फ भक्त पहुंचते हैं और जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना भी कर जाती है। वहीं इस बार सावन माह आज सोमवारी की है और सभी की अपनी अपनी महत्वताएं हैं। देखिए, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से कर ली गई हैं और जिला प्रशासन भी तत्पर है। अभी तक अभी विजिट हो रहा है सभी लोगों का और पदाधिकारी लोग अभी जा रहे हैं। हो सकता है आज भी कुछ पदाधिकारी आए देखने के लिए मंदिर में क्या सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा और हमारा बिजली बत्ती लाइट फाइट की रेटिंग सारा चीज़ हमारा कंप्लीट है। मंदिर पूर्णतः तैयार है श्रावण के तैयारी में। कितना महत्व है सावन का? अब इसे अंदाजा कर लीजिए, किसी भी देवता का पूजा ना करते हुए सिर्फ सावन महीने में अगर महादेव की पूजा करते हैं तो मैंने पूरे जिंदगी की पूजा करने का सफल फल प्राप्त होता है। इनके जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, घी दूध मध दही शक्कर से स्नान कराना, पंचामृत स्नान कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। खासकर सोमवारी का व्रत भी महत्वपूर्ण रखता है और बाबा सबकी मनोकामना, क्योंकि बाबा गरीबनाथ मनोकामना लिंग हैं, प्रथम सोमवारी 10 तारीख को पड़ेगा और इस बार दो सावन हैं। मेरे हिसाब से दोनों सावन बराबर हैं, कहिए एक पुरुषोत्तम मास होता है, एक शुद्ध मास होता है, अधिक मास और शुद्ध मास उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। दोनों सावन में जल चढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसे, देखिए शुद्ध सावन दो होगा, 15 दिन पहले कृष्ण पक्ष और 15 दिन अंतिम में शुक्ल पक्ष, बीच का जो कृष्ण पक्ष जो होता है सावन वो अधिक मास होता है। नहीं तो अगर शुद्ध श्रावण देखेंगे तो 10 और 17 पड़ेगा, दो सोमवारी और उधर 21 और 28 अगस्त, बीच का जो एक मास होता है, जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें भी चार सोमवारी होती हैं, उनमें भी आप जल चढ़ा सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, उसकी महत्व बहुत ज़्यादा होती है। वहीं उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में सोमवारी के दिन बाबा पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर स्थानीय तौर पर प्रशासन पूरी तैयारी में है। साथ ही मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ ना लगे, इसे लेकर भी मंदिर में प्रशासन की पूरी तैयारी है ताकि कांवड़ियों को जलाभिषेक में किसी तरह की समस्या ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।